हेलो दोस्तों, आज हम आपको माँ भगवती देवी धाम यहाँ नवरात्रों में लगता है भूतों का मेला होता है, प्रेत आत्माओं का खात्मा के बारे में बताएंगे। झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसा देवी धाम है जहाँ नवरात्रों में भूतों का मेला लगता है। नवरात्र के पहले दिन से ही पूरे झारखंड से यहाँ लोगों का आना होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है जो प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं। लोगों का मानना है कि पलामू स्थित हैदरनगर में यह ऐसी जगह है जहाँ भूत उतारा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ वैसे प्रेत आत्माओं को खत्म किया जाता है जो लोगों को परेशान करते हैं। इस अंधविश्वास के चक्कर में आसपास के कई इलाकों से यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ऐसा ही एक मेला हर साल मुलाजपुर बैतूल में भी लगता है। हैदरनगर स्थित प्रसिद्ध माँ भगवती देवी धाम पर सालों पुरानी परंपरा व आस्था के साथ चैती नवरात्र की पूजा के साथ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। मेले में बड़ी संख्या में कथित प्रेत बाधा से पीड़ित लोग पहुंचते हैं। मेले में चारों ओर अंधविश्वास का बोलबाला दिखता है। ऊर्जाओं के साथ अधिक संख्या में महिलाएं होती हैं, उनमें भी वैसी महिलाएं अधिक होती हैं जो अशिक्षित व पिछड़ी जाति से आती हैं। उन भोले भाले लोगों को ओझा अपने जाल में फंसाकर यहां ले आते हैं। महिलाएं यहां आते ही झूमने लगती हैं और अपने बालों को खोल सिर को जोर जोर से घुमाती है। ओझाओं का कहना होता है कि इन पर भूतों का प्रभाव है जो यहां आकर मनुष्य के शरीर से निकल जाते हैं। नवरात्र के मौके पर अंधविश्वास संग आस्था का बाजार सज जाता है और भूत भगाने का खेल चलता रहता है। ऐसे तो साल भर इन स्थानों पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर प्रेत बाधा से मुक्ति की असली प्रतिदिन यहां उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग पहुंचते रहते हैं। हैदरनगर स्थित देवी मां के मंदिर में करीब 2 किलोमीटर की परिधि में लगने वाले इस मेले में भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाने में लगे ओझाओं की माने तो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर से भूत उतार दिया जाता है और मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक पीपल के पेड़ से कील के सहारे उसे बांध दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।